हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको पिछला लेक्चर जो है वो मेरा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मीटर ब्रिज के बारे में बात की थी, मीटर ब्रिज जिसका दूसरा नेम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। आज हम एक तो न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे मीटर ब्रिज के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द किरचॉफ लॉ। किसी एक स्टूडेंट का डाउट ही था, उसने पर्सनली मुझे एक व्हाट्सएप पे पिक सेंड की थी कि मुझे इस क्वेश्चन में जो है वो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल पहले करवा रही हूँ। किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल हमने जो है दो तीन न्यूमेरिकल्स किरचॉफ लॉ के बेसिस पे हमने कर लिए थे, लेकिन एक टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, या अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो दो पॉइंट्स के बीच में, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हमने अभी तक डील नहीं किया है। तो हम सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं, जैसे ये 3 ओम का, ये 3 ओम, दिस इज आल्सो 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, और यहाँ पे आपके पास क्या लगाया हुआ है, दिस इज योर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, वो भी 3 माइक्रो फैरड वैल्यू का कैपेसिटर जो है सर्किट में कनेक्ट किया है, और बैटरी लगाई हुई है जिसकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट। ये पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई एंड एफ। अब हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन यही है आपका, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखो बेटा, जब भी हमें कैपेसिटर लगाया हो सर्किट के अंदर और कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी डीसी सोर्स के साथ, एक बात आपको ये याद रखनी है, वैसे ये फोर्थ यूनिट के अंदर डीपली आएगा कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या होती है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हम किसी भी कैपेसिटर को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जैसे सेल या बैटरी, ये डायरेक्ट करंट है। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को डायरेक्ट करंट के साथ यानी डीसी सर्किट में लगाते हैं, तो क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कैपेसिटर की क्या स्टार्ट हो जाती है, चार्जिंग। और ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहता है जब तक कि इसके अंदर जो चार्ज स्टोरेज की वैल्यू इसकी खुद की कैपेसिटेंस के इक्वल नहीं हो जाती। कैपेसिटेंस मतलब कि कितना भर सकता है कोई कैपेसिटर, वो उसकी वैल्यू होती है कैपेसिटेंस, यानी बेसिकली कि जहां पे भी कैपेसिटर लगा है उस हिस्से में करंट आगे नहीं जाएगा, जितना भी करंट इस सी पॉइंट से जाना है वो सारा का सारा इस कैपेसिटर को क्या करता स्टार्ट कर देगा, चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम कैपेसिटर को, हम ये भी कह सकते हैं कि डीसी सर्किट के अंदर जब भी आप कैपेसिटर लगाते हो, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर इसे दूसरे वर्ड में कहें तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, ब्लॉक कर देता है डीसी को, डीसी को ब्लॉक कर देता है, उसको आगे पास नहीं करने देता। लेकिन अगर कैपेसिटर के साथ हम एसी लगाते हैं सर्किट, अगर हम एसी सर्किट कैपेसिटर के साथ लगाते हैं तो एसी के कारण कैपेसिटर की स्टार्ट हो जाती है, चार्ज तो होता है लेकिन एसी को ये क्या करता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस देता है और एसी करंट को आगे मूव करने देता है। बस आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि फोर्थ यूनिट के अंदर हम ये सारी चीजें सीखेंगे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जहां पे कैपेसिटर लग गया मतलब उस हिस्से के अंदर करंट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो सोर्स लगाया है वो डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स को कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है और खुद को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है जब भी सर्किट में डीसी सोर्स लगा होगा। अब देखें, जो टोटल करंट सर्किट में था आई, अब आई के पार्ट्स होने हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट को दो पाथ मिल रहे हैं, तो यानी कुछ करंट तो इस हिस्से में चला गया, जो करंट यहां गया उसे हमने सपोज कर लिया आई वन, बचा हुआ करंट क्या है आई माइनस आई वन, ऊपर जाएगा बी पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे अगेन एक ही रास्ता है, दैट इज आई माइनस आई वन यहां पहुंचा, इस 3 ओम वाले रेजिस्टर के अंदर से ये आई माइनस आई वन पास करेगा, सी पॉइंट पे पहुंचेगा। अब सी पॉइंट पे ऑल्दो देयर आर टू पाथ्स, लेकिन एक पाथ के अंदर कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर ने क्या करना है, डीसी को ब्लॉक करना है, यानी डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देनी है। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी डीसी होगा तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अगर कैपेसिटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, अब देखो करंट को अगर दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ते में रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब यहां करंट जाने की कोशिश करेगा तो उसका सर्किट ही पूरा नहीं होगा क्योंकि इस कैपेसिटर ने उस करंट के पाथ को कंप्लीट नहीं होने देना। इसका मतलब इस हिस्से के अंदर आपके पास कोई करंट नहीं जाने वाला क्योंकि कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर की टेंडेंसी होती है कि वो डीसी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा।
तो बेसिकली क्या हुआ, I माइनस आई वन करंट फ्लो करते करते I माइनस आई वन यहाँ पहुंचा, और जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंचेगा उसके पास दो रास्ते नहीं है बल्कि एक ही रास्ता है, क्योंकि एक रास्ते में ये कैपेसिटर बैठा है और इस कैपेसिटर ने डीसी को पास नहीं होने देना, तो सारा करंट नीचे आ जाएगा विद इन द वायर सी डी, और यानी इसके अंदर फ्लो करेगा करंट कितना, आई माइनस आई वन। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डीसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा है तो जहां पे कैपेसिटर लगा है उस हिस्से में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब अब देखो, इस कैपेसिटर के साथ ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस अटैच है, इसका मतलब इस हिस्से में कोई करंट नहीं है, यानी आई इसमें भी जीरो है और कैपेसिटर के अंदर करंट पास नहीं कर रहा, यानी आई इसके अंदर भी क्या है, जीरो। तो सी से लेके एफ पॉइंट के बीच में कोई भी करंट आपके पास नहीं है, करंट गया ए पॉइंट पे डिवाइड हुआ, आई वन इधर गया आई माइनस आई वन ऊपर, बी से गया आई माइनस आई वन इधर, सी पॉइंट पे पहुंचा और आई माइनस आई वन सारा नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर ने करंट को पास नहीं होने देना, डी पॉइंट से ये सारा करंट इधर जाएगा। अब डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट के ऊपर दो करंट मर्ज हो रहे हैं, एक तो आई वन और ऊपर से क्या आ रहा है, आई माइनस आई वन, यानी पॉइंट डी के ऊपर टू करंट्स एंटर हो रहे हैं, एक तो आई माइनस आई वन ऊपर से नीचे आ रहा है और एक इधर से फिर से क्या आ रहा है, आई वन कट गया तो क्या रह गया, आई, यानी यहां से क्या पास करेगा, आई। अब ये आई करंट एफ पॉइंट पे पहुंचा और वापस क्या आ गया, आई, तो आई से ही स्टार्ट किया, आई पे ही वापस आ गए, कैपेसिटर के अंदर कोई करंट आपने इस सर्किट में नहीं बनाना, ठीक है। इतना काम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर लगाने का मतलब क्या है, कि कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक करना है, यानी डीसी को आगे पास नहीं होने देना। अब हमारा टारगेट है सबसे पहला करंट्स को निकालना। अब देखो, करंट्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम सर्किट के रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करें। अब देखिए, जो ये वाला रेजिस्टेंस है 3 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये दोनों 3 ओम के रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो कर रहा है, I माइनस आई वन, I माइनस आई वन, यानी ये दोनों 3 ओम के किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब सीरीज अरेंजमेंट, अगर मैं सीरीज अरेंजमेंट को सॉल्व करूं, इम्प्लाइज कि 3 ओम वाला रेजिस्टेंस और 3 ओम वाला रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में, तो बन गया 6 ओम। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने 6 ओम बनाया और उस 6 ओम को मैंने यहां से हटा के यहां 3 की जगह 6 कर दिया। अब देखें, जो यहां पे 6 आएगा, ठीक है, यहां पे जो 6 आएगा और यहां पे जो 3 है वो आपस में किस में होंगे, पैरेलल में, क्योंकि मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक ही 6 ओम का बनाया। यानी अगर मैं सर्किट को फिर से प्लॉट करूं तो ये ए पॉइंट है समझाने के लिए, बी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक 6 ओम का रेजिस्टेंस कर दिया, ये खत्म हो गया, और यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस कितना चल रहा है, 3 ओम का, दिस इज द पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट सी। अब ये सर्किट है आपके पास, आगे जाके 3 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, यानी ये 3 ओम वाला। अभी हमने ये सर्किट सॉल्व किया है कि 3 प्लस 3 को क्या कर दिया हमने, 6। अब देखें, ये 6 के साथ ये 3 किसमें लगा है, पैरेलल के अंदर, इसका मतलब पैरेलल सॉल्व करें, यानी पैरेलल अरेंजमेंट अगर सॉल्व करूं तो 1/RP की वैल्यू क्या होगी, 1/6, क्यूब के ऊपर है 6 और नीचे 3, प्लस 1/3, LCM लिया 6 आया, तो ये बन गया 1+2, यानी कि 3/6, यानी आंसर आया 1/2, तो 1/RP का आंसर 2 है, इसका मतलब RP का आंसर क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। यानी कि अब हमने क्या किया है, इन दोनों का पैरेलल सॉल्व किया और इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करते ही आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 ओम। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी आप रिमूव कर दो, यहाँ पे सिंपली वायर रहेगी और इस हिस्से के अंदर आपके पास क्या चला गया, 2 ओम। अब आपका सर्किट ये हो गया। अब ये वाला 2 ओम जो है और ये वाला जो 3 ओम है आपस में किसमें दिख रहे हैं हमें, सीरीज के अंदर, यानी दिस 2 ओम एंड दिस 3 ओम बोथ आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू, ये 2 और 3 आपस में सीरीज में, तो 2 ओम प्लस 3 ओम, यानी आंसर क्या आ गया, 5 ओम। तो पहला काम तो हमने यही करना था, सारे रेजिस्टेंसेस को सॉल्व किया, यानी ये 3 और ये 3 सीरीज में थे, सीरीज सॉल्व करके यहाँ 6 लगाया, 6 और ये 3 आपस में पैरेलल थे, दोनों का पैरेलल सॉल्व करके 2 बनाया, 2 और ये 3 आपस में सीरीज थे तो इनको सॉल्व करके हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी निकाल ली, 5 ओम। अब हमारे पास सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम निकल आई है, ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारा। अब हम आगे देखेंगे, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की 5 ओम है, अब हमें तो करंट चाहिए ना, टोटल करंट, टोटल करंट जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं सर्किट में, आई, यानी आई आपके पास क्या है, टोटल करंट। तो टोटल करंट आपके पास क्या होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट कहेंगे। टोटल बैटरी वोल्टेज जो हम लगा रहे हैं वो 15 है, 15 डिवाइडेड बाय ये आपकी कितनी है,
रेजिस्टेंस की वैल्यू 5, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 3 एम्पियर। यानी हमें ये पता लग गया कि इस पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल करंट ये फ्लो कर रहा है आई, इस आई की वैल्यू आपके पास क्या है 3 एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब प्रॉब्लम है आई वन निकालने की। अब आई वन निकालने के लिए हम लूप लॉ लगा सकते हैं ए बी सी डी इस हिस्से के अंदर। तो इस हिस्से के अंदर अगर हम किरचॉफ का लूप लॉ लगाएं जिसमें हमें सब कुछ पता है, आई वन नहीं पता, सिर्फ आई वन अननोन फैक्टर है, तो उसकी वैल्यू अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इतने पार्ट को मैं रब कर रही हूँ, उसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या कर लिया है, हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आई की वैल्यू आपके पास आई है 3 एम्पियर और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो था आपके पास 5 ओम। अब किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं ए बी सी डी लूप के ऊपर। तो लूप हमने चूज किया ए बी सी डी। अगर इस लूप को चूज करें तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है अगर हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब देखो ए से बी गए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। बी से सी में रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम और करंट है आई माइनस आई वन। जैसे हम मूव करें उसी डायरेक्शन में करंट है तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो लिखेंगे माइनस ऑफ आई माइनस आई वन मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद सी से डी जैसे चल रहे हैं वैसे ही करंट है तो अगेन माइनस, माइनस 3 ऑफ आई माइनस आई वन। उसके बाद डी से ए पे आए जैसे चल रहे हैं उससे अपोजिट करंट है तो इट विल बी टेकन एज प्लस। तो लिखेंगे प्लस का 3 into I1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि कोई सेल या कोई बैटरी है ही नहीं। माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 हो गया और फैक्टर्स अंदर सेम है तो ये बन गया माइनस 6 into I माइनस I1 प्लस 3 into I1 इक्वल टू 0। इसको ओपन करें ब्रैकेट को तो बनेगा माइनस 6I प्लस 6I1 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 0। अब 6I को इधर लेके जाओ तो 6 प्लस 3 ये बन गया 9I1 इज इक्वल टू 6 into I। I की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। वैल्यू रख दो तो ये बन गया 6 into 3 एम्पियर, ठीक है। और I1 की वैल्यू क्या बन जाएगी 6 multiplied by 3 एम्पियर divided by 9। 3 को 9 से कट किया 3, इसको इससे कट किया 2, तो I1 का आंसर आपके पास क्या आ चुका है 2 एम्पियर। तो I1 निकल के कितना आ गया 2 एम्पियर। अब देखो I और I1 ये दोनों की वैल्यूज आपके पास सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। अब एक वैल्यू और निकालनी रहेगी दैट इज I माइनस I1। अगर मुझे I भी पता है और I1 भी पता है तो I माइनस I1 यहाँ पे कर रही हूँ। तो देयरफॉर I माइनस I1 ये I माइनस I1 क्या है आपके पास करंट फ्रॉम जो करंट बी सी और फिर डी में जा रहा है तो करंट फ्रॉम बी सी डी दैट इज इक्वल टू आई माइनस आई वन है और आई की वैल्यू है 3, आई वन की वैल्यू है 2, तो 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया 1 एम्पियर। यानी ये करंट हमारे पास निकल के आ गया कि 1 एम्पियर है। अब देखो काम है हमारा कि कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यानी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकालना है तो देखो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स यानी इस प्लेट और इस प्लेट के साथ जो पॉइंट्स चल रहे हैं, एक तो ये वाली प्लेट जो है वो सी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और ये वाली पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है ई पॉइंट के साथ। लेकिन ई पॉइंट का पोटेंशियल और एफ पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये पॉइंट ध्यान से सुन लेना। ई पॉइंट का पोटेंशियल और एफ पॉइंट का पोटेंशियल इसलिए सेम है क्योंकि ई से एफ के बीच में कोई करंट ही नहीं है। अगर आपके पास करंट ही नहीं होगा तो वोल्टेज क्या होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट अगर जीरो है तो वोल्टेज का आंसर भी क्या होगा 0। यानी हम लिखेंगे पोटेंशियल, हमें फाइंड आउट तो करना है पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटर के अक्रॉस कौन से पॉइंट है सी एंड ई, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी ई, सी और ई पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बट जो पोटेंशियल है बट द पोटेंशियल एट ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एफ, क्योंकि ई पॉइंट का पोटेंशियल और एफ पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल है। उसका रीजन यही है क्योंकि ई से एफ वायर के बीच में आपके पास कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। जब आपके पास ई से एफ के बीच में कोई करंट नहीं है इसका मतलब कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा इस ई एफ वायर के अंदर। यानी ई और एफ पॉइंट सेम पोटेंशियल पे इसीलिए है बिकॉज नो पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग इन दिस वायर ई एफ।
तो पोटेंशियल ई पॉइंट का और ये पोटेंशियल एफ पॉइंट का आपस में सेम हो गया, क्योंकि इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस जरूर है लेकिन करंट की वैल्यू इस वायर के अंदर क्या है आपके पास, जीरो। और करंट ही अगर जीरो है तो वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी ई पॉइंट और एफ पॉइंट एक ही बात है, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एफ। देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम सी ई पॉइंट ले रहे थे, अब ई को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एफ से। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एफ ले सकते हैं। अब देखो सी से एफ पॉइंट पे पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता है ये कैपेसिटर से होके निकलता है जिसमें कोई करंट नहीं है, और एक रास्ता ये भी है सी से डी गए और डी से गए एफ पे। तो यानी अगर मुझे सी और एफ पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो बेसिकली बस मुझे सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ वो पता करना है, डी और एफ पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ वो पता करना है, और इन दोनों ड्रॉप्स को ऐड कर देना है। क्योंकि अगर मैं सी से डी पे जाते हुए वोल्टेज का ड्रॉप और डी से एफ पे जाते हुए वोल्टेज के ड्रॉप्स को मैं ऐड कर दूंगी तो इनडायरेक्टली मैं सी और एफ पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लूंगी। मेरा मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर मैं इस चीज की आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि असल में हमने करना क्या है, असल में हमने ये करना है कि सी पॉइंट के ऊपर मान लो पोटेंशियल की वैल्यू है लेट से 12, मान लो 12 वोल्ट है। जब आप सी पॉइंट से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके डी पॉइंट पे पहुंचोगे तो करंट जब फ्लो करेगा सी से डी इस वायर के अंदर जो कितना है आई माइनस आई वन, जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर हमने फाइंड आउट की है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप तो होगा। यानी जो भी ड्रॉप होगा मान लो 12 में से यहाँ कुछ कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो जो भी कंज्यूम हुआ थोड़ा बचा हुआ वोल्टेज यहाँ पहुंचेगा, फिर बचे हुए वोल्टेज में से आगे जब मूव करोगे तो कुछ वोल्टेज ये खा जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि 12 में से अगर मान लो 4 वोल्ट इसने खा लिया यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ने, तो बचा कितना 12 में से 4 गया यानी 8, डी पे पहुंचते हुए आप 8 वोल्ट पे आए। फिर डी के बाद ये वाला रेजिस्टेंस मान लो 2 वोल्ट और खा गया, तो 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ पहुंचे आप कितने पे आ गए, 6 वोल्ट पे। फिर इस पॉइंट के और इस पॉइंट के पोटेंशियल को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू। तो ये थोड़ी सी बारीक सी चीज है, इसको समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। देखो एक एग्जांपल ये है कि 12 वोल्ट में से मान लो 4 वोल्ट तो इसने कंज्यूम करा लिया यानी 4 वोल्ट का इसके क्रॉस क्या हो गया ड्रॉप, तो बचा कितना यहाँ पे 8 वोल्ट बचा। 8 वोल्ट के बाद ये वाला जो रेजिस्टर है इसने 2 वोल्ट का ड्रॉप कराया, ड्रॉप मतलब 2 वोल्ट ये खा गया, खुद ही अपने आप को बर्न कर रहा है या अपने अंदर से हीट की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जैसे मर्जी पावर रेडिएट कर रहा है। तो 2 वोल्ट अगर ये खा गया तो 8 में से 2 इसने खाया तो यहाँ पे कितना बचा, 6 वोल्ट बचा। तो अब 12 वोल्ट और 6 वोल्ट इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यूज से ही हम पता कर सकते हैं कि सी पॉइंट और इस पॉइंट जिसको हम एफ कह रहे हैं इनके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस कितना है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमें सी पॉइंट पे कितनी वोल्टेज है नहीं ना बताई, तो हमने बेसिकली क्या करना है, सिर्फ वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है सी डी वायर के क्रॉस। तो पोटेंशियल, वोल्टेज को पोटेंशियल भी कहते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी डी वायर। अब सी डी वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है लेट्स से उसको वी वन मान लो, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू कितनी है, आई माइनस आई वन, और आई माइनस आई वन वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो जिसका आंसर कितना है 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम, तो इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या आ गया, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमने निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अब डी एफ, क्योंकि लास्ट में एफ पॉइंट पे पहुंचना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डी एफ वायर। तो डी एफ वायर का निकालें तो डी एफ वायर में से करंट जा रहा है आई, टोटल करंट, और टोटल करंट की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, आई की वैल्यू निकाली थी हमने, और रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम की, दोनों का प्रोडक्ट किया आंसर क्या आ गया 9 वोल्ट। अब देयरफॉर पोटेंशियल, अब हमें तो टोटल पोटेंशियल चाहिए, अब आगे हम लिखेंगे देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एफ इज इक्वल टू, तो सी एफ पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है और इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है इन दोनों को बस ऐड कर देना है, यानी 3 + 9, तो आंसर कितना आ गया 12 वोल्ट। इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका आंसर क्या होगा आपके पास, दैट इज 12 वोल्ट।
आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं विच इज बेस्ड अपॉन द मीटर ब्रिज, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आज आई थिंक आप यही क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, अगर एक आपको डाउट आए तो इसको फिर से एक बार देख लेना। तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मीटर ब्रिज का, वो मैं करवाऊंगी पोटेंशियोमीटर के टॉपिक के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना पोटेंशियोमीटर का टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे, और पोटेंशियोमीटर ही हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसकी थ्योरेटिकली कवर करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर जंप करेंगे। तो आज के लिए यही एक न्यूमेरिकल बहुत है, हैवी न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। और कैपेसिटर के टाइप्स के बेसिस पे, यानी जो किरचॉफ लॉ के अंदर यूज करके ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हो, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल जो है आप एक दो ट्राई कर लेना प्रैक्टिस के लिए। और प्लीज इनके नोट्स साथ साथ बनाते जाना, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू।